झारखंड में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशियों ने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने तरीकों से वोटरों को लुभाने में लगे हैं। इसी उम्मीद में वोटरों का दिल जीतने के लिए झाविमो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुमला में जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में उम्मीद थी कि जनसभा में लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुमला के पुगु मैदान में बाबूलाल मरांडी की सभा हुई, लेकिन खास बात ये रही कि उनकी मौजूदगी के बावजूद भी सभा में भीड़ नहीं जुट पाई और मैदान खाली पड़ा रहा। वहीं सभा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार को घेरा। हम चाहते हैं झारखंड को स्वस्थ झारखंड बनाना। आज झारखंड की क्या हालत है? सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, डॉक्टर नहीं है। झूला में अभी अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। बीजेपी की सरकार ने लोगों को एक कार्ड थमा दिया है, आयुष्मान कार्ड, लेकिन उस कार्ड को लेकर के रांची में जाओगे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो भरते ही नहीं लेते हैं, बता देते हैं कि बेड खाली नहीं। सरकार के बड़े अस्पतालों में भर्ती हो जाइए, रिम्स में तो महीनों दिन इलाज ही चलता है, या तो पेशेंट मर जाता है या फिर वहां से भाग खड़े होते हैं। ऐसा काम चलेगा? और इसलिए मैंने कहा कि आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला, सरकार बनेगी तो प्रत्येक पंचायत में दो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, परिवार के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट भी होगी, ब्लॉक के अस्पतालों में डॉक्टर और दवा भी होगा और जिला के अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार को कोसते हुए कहा कि उद्योग और रोजगार के नाम पर भाजपा लोगों को ठग रही है। पूरे 5 साल में रघुवर दास जी के शासन में एक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी आयोजित नहीं कर पाया। आप समझ सकते हो क्या हालत है इस राज्य में? लोग सड़क पर घूम रहे हैं, ये उद्योग रोजगार के नाम पर हाथी उड़ाते रहे, 900 करोड़ रुपया खर्च हुए, कोई नए उद्योग लगे नहीं, बने हुए उद्योग सब बंद हो, ये तो स्थिति है। और इसके बाद बोलने के तो कुछ भी बोलेगा, आरोप लगा, लेकिन जनता तो जान रही है। जनता इस बार इतनी बहुमत देगी शायद किसी को इतने अनुमान नहीं। सर, उनका कहना है कि सिर्फ लूट खसोट के लिए भाजपा छोड़ के यहाँ जीते भी तो दल है। लोगों को कह रहे हैं ठगने वाले और लूटने वालों को इस बार विदा करनी है झारखंड से। कौन ठगा कौन लूटा ये तो जनता को तय करना है। हम तो खटने वालों में से, जब मुख्यमंत्री थे तो 28 महीनों तक थे, 16-17 घंटा देते। सर, नक्सल से साठगांठ का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि भाजपा छोड़कर सभी पार्टियां नक्सल से सरकार तो उनकी है, तो जिनका साठगांठ है उसको पकड़े, उसको जेल में डाले, तो ये बोल क्यों रहे हैं, आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता को लुभाने में जुटी हैं। वहीं राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लेकिन खाली मैदान देखकर तो यही लग रहा है कि क्या बाबूलाल मरांडी अपनी इस हुंकार रैली से जनता को लुभा पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुमला से मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट।